नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों यूपी बोर्ड क्लास 12th और क्लास 10 2021 परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले रिजल्ट आपको कैसे चेक करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको रिजल्ट चेक करके दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं ये इंटरमीडिएट का पेज खुला हुआ है और इसी के ठीक बगल मैंने हाई स्कूल का पेज भी जो है खोल रखा है। तो मैं आपको जो कैंडिडेट का रिजल्ट चेक करके बताऊंगा, उससे पहले आपको बता दूं कि आपको रिजल्ट कहाँ पर मिलने वाला है। दोस्तों रिजल्ट मिलेगा आपको सरकारीRizult.com पे। जी हाँ दोस्तों, एक पुरानी ट्रस्टेबल वेबसाइट सरकारीRizult.com पर। साथ ही साथ आपको मिलेगा ये रिजल्ट रोजगारRizult.com पर। दोस्तों बिल्कुल ही दोनों वेबसाइट पर ट्रस्टेबल और सबसे तेज अपडेट इस पर आ चुका है, यानी रिजल्ट आ चुका है। अगर आपको रोल नंबर नहीं पता तो आप रोल नंबर भी यहाँ से फाइंड कर सकते हो। तो सीधा हम क्लिक करते हैं यूपी बोर्ड रिजल्ट पे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको बता दें नीचे आपको आना है। ये देखिए यहाँ पर रिजल्ट का लिंक आ चुका है, 10th रिजल्ट और 12th रिजल्ट। हम 10th हाई स्कूल के रिजल्ट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, हमने डिस्ट्रिक्ट डाल दिया। यहाँ पे रोल नंबर डाल के व्यू रिजल्ट पे क्लिक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे हमने क्लिक किया हमारा हाई स्कूल का रिजल्ट आ चुका है। इसी सिंपल प्रोसेस से आप भी चेक कर सकते हैं रिजल्ट का। अगर आपके पास रोल नंबर नहीं है तो आपको रोजगारRizult.com खोलना है। मैं भी आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा कि अगर आप जिनके पास रोल नंबर नहीं है उनको क्या करना है। तो पहले मैं आपको हाई स्कूल का रिजल्ट चेक करके दिखा दूं। दोस्तों अगर आप नीचे देखेंगे रिजल्ट में तो आपको सब्जेक्ट वाइज मार्क्स भी आए हुए हैं, ग्रेड भी आया हुआ है। देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल सभी का जो है यहाँ पे दिया हुआ है। अब मैं आपको इंटर का रिजल्ट चेक करके दिखा देता हूँ। दोस्तों इसमें भी आपको वही सेम प्रोसेस करना है। आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ पे जिला चेंज करना है। यहाँ पे 2021 पहले से, बस यहाँ पे आपको 9 डिजिट का रोल नंबर है। हर बार यूपी बोर्ड का जो रोल नंबर रहता था 7 डिजिट का रहता था, इस बार लेकिन 9 डिजिट का, तो वही रोल नंबर आपको डालना है और व्यू रिजल्ट पे क्लिक करना है। मैं डाल के दिखाता हूँ। ये देखिए जैसे ही मैंने डाला आप देख सकते हैं इंटर का रिजल्ट भी खुल चुका है। कोई सर्वर वगैरह का कोई इशू नहीं है, फटाफट रिजल्ट खुल रहा है। अगर आप नीचे देखेंगे तो आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स भी जो है दिए हुए हैं। जैसे मेरा कैंडिडेट का ह्यूमनिटीज था तो उसमें जो इसने यहाँ पे अलग अलग नहीं दिए, लेकिन आप देख सकते हैं सभी कैंडिडेट जो है पास है और कितना नंबर है सब कुछ दिया हुआ है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि जिनके पास रोल नंबर नहीं है उनको क्या करना है। तो उनको वापस हम चले जाते हैं रोजगारRizult.com पर और यहाँ पे देखेंगे फाइंड जो है रोल नंबर का ऑप्शन है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे देख सकते हैं एक नई विंडो ओपन होगी। ये देखिए ओपन हुई, यहाँ पे आपको हाई स्कूल या इंटर जो भी है आपका उसको डाल दीजिए, अपने जिले का चयन कर दीजिए, यहाँ पे अपना स्कूल का नाम डाल दीजिए और यहाँ पे अपना नाम शॉर्ट में भी लिख देंगे तो आपका जो है रिजल्ट जो है आपको रोल नंबर पता चल जाएगा, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया है। और साथ ही साथ बता दें आपको कि रिजल्ट आपको जो है सरकारीRizult.com पर भी मिल जाएगा। आपको यहाँ देख सकते हैं हाई स्कूल इंटर दोनों का रिजल्ट जो उपलब्ध है, आपको सिंपली क्लिक करके यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों रोजगारRizult.com खोलिए, उस पर रिजल्ट अपना देखिए और बता दें ओरिजिनल मार्कशीट आपको संबंधित स्कूल कॉलेज में जो है मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आपके आपके रिजल्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार, धन्यवाद। एक मिनट, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको दोबारा एक बार बता दूं हाई स्कूल वाले भी इसी सेम मेथड से। और एक चीज मैं जरूर बताना भूल गया था, यहाँ 2020 लिखा हुआ है, इस पर बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे जो रोल नंबर आपको शो करेगा 2021 का ही शो करेगा, इसीलिए मैंने 2 मिनट आपको समय और लिया। तो चलते हैं, विदा लेते हैं, आपको रिजल्ट के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार।